हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में और आपके चैनल में, जिस चैनल में नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बढ़ाने का काम होता है। तो दोस्तों, आप लोग क्रिकेट जरूर देखते होंगे और खेलते भी होंगे। तो आज आपके लिए क्रिकेट के कुछ रिकॉर्ड में से एक ऐसा रिकॉर्ड जो सिर्फ कुछ खिलाड़ियों के नाम पर है, जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में 200 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो चलो जानते हैं उन खिलाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों, दुनिया भर में लोकप्रिय खेल में क्रिकेट का नाम जरूर आता है। तो आज हम 200 रन बनाने वाले खिलाड़ियों के बारे में जानेंगे। तो 200 रन का रिकॉर्ड तोड़ने से पहले वनडे मैच में 194, यह सर्वाधिक स्कोर पाकिस्तानी क्रिकेटर सईद अनवर ने 21 मई 1997 के चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में किया था। और उसी साल 16 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने यह रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने 229 नॉट आउट रन बनाए। यह रिकॉर्ड डेनमार्क के खिलाफ मुंबई में बनाया गया था। यह रिकॉर्ड 17 साल 3 महीने 5 दिन तक कायम रहा, जिसे तोड़ना किसी भी क्रिकेटर को कठिन था। और इतने बड़े समय के बाद 21 मार्च 2015 को न्यूजीलैंड के प्लेयर मार्टिन गुप्टिल ने 237 नॉट आउट रन बनाए। उन्होंने यह स्कोर वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाए। पर दोस्तों, अगर पुरुषों के क्रिकेट की बात करें तो सबसे पहले 24 फरवरी 2010 को ग्वालियर में सचिन तेंदुलकर ने 200 नॉट आउट रन बनाए और 200 रन के लिस्ट में अपना पहला नाम दर्ज किया। उन्होंने यह रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया, उसमें 25 बाउंड्री और 3 छक्के लगाए थे। सचिन के बाद 8 दिसंबर 2011 को इंदौर में वेस्टइंडीज के खिलाफ वीरेंद्र सेहवाग ने 219 रन बनाए, जिसमें 25 बाउंड्रीज और 7 छक्के थे। आगे 2 नवंबर 2013 में बेंगलुरु में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा ने 209 रन बनाए, उसमें 12 बाउंड्रीज और 16 छक्के थे। और रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा ने 200 रन का कारनामा 3 बार अपने नाम किया है। उन्होंने दूसरी बार 13 नवंबर 2014 को कोलकाता के ईडन गार्डन में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 33 बाउंड्री और 9 छक्के लगाए थे। यह रन्स के साथ एक दिवसीय क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले क्रिकेटर बने, जिसे अभी तक किसी ने भी तोड़ा नहीं है। आगे रोहित शर्मा ने तीसरी बार 13 दिसंबर 2017 में मोहाली में श्रीलंका के खिलाफ 208 नाबाद रन बनाए, जिसमें 13 बाउंड्रीज और 12 छक्के लगाए थे। और इसी के साथ रोहित शर्मा ने तीसरी बार 200 रन बनाने का कारनामा अपने नाम किया। तो दोस्तों, आगे 24 फरवरी 2015 में कैनबरा में जिम्बाब्वे के खिलाफ वेस्टइंडीज के तूफानी प्लेयर क्रिस गेल ने 215 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 10 बाउंड्री और 16 छक्के लगाए थे। आगे 20 जुलाई 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान के प्लेयर फाखर जमान ने 210 रन की नाबाद पारी खेली, जिसमें 24 बाउंड्रीज और 5 छक्के लगाए थे। आगे 13 जून 2018 में डलबिन में आयरलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के महिला क्रिकेटर अमलिया खेर ने 232 नाबाद रन बनाए, जिसमें 31 बाउंड्री और 2 छक्के लगाए थे। तो दोस्तों, 200 रन का कारनामा अभी तक 10 बार किया गया है, उसमें 2 महिला क्रिकेटर और 8 पुरुषों के नाम आते हैं, और सबसे ज़्यादा 3 बार तो रोहित शर्मा के नाम है। तो दोस्तों, एक साथ देखें तो 200 रन का कारनामा सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सेहवाग, रोहित शर्मा, मार्टिन गुप्टिल, क्रिस गेल, फाखर जमान और महिला क्रिकेटर में बेलिंडा क्लार्क और अमेलिया कर्र, यह क्रिकेटर का नाम आता है। तो दोस्तों, यह थे 200 रन बनाने वाले क्रिकेटर और उनके बारे में। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा एक कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही क्रिकेट के बारे में रिकॉर्ड आपको मिले इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।